पंजाब के फाजिल्का में 24 मार्च को आए चक्रवाती तूफान से कई मकानों की छतें उड़ गई हैं। ये तूफान इतना तेज था कि बिजली के खंभे गिर गए और जगह जगह पेड़ गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस चक्रवाती तूफान की सूचना मिलते ही डीएसपी और फाजिल्का के पूर्व विधायक मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि छतें उड़ने से कई लोग छतों के नीचे आ गए, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें बचा लिया गया। फाजिल्का के अलावा अबोहर जिले में खुइया सर्वर ब्लॉक के गांव बकेनवाला में बवंडर ने बड़ी तबाही मचाई। इस बवंडर ने लगभग 50 घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है और कई लोग मलबे में दब गए हैं। उन्हें ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया।